कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्तवि कर्मणि। धरती माँ, प्रेम बहुत सुंदर, बहुत कोमल भावना है। प्रेम जीवन में रंग भरता है, जीवन को प्रेरणा देता है, बल देता है, शक्ति देता है। परंतु प्रेम त्याग चाहता है, अर्पण चाहता है। अपने प्रेम के लिए जो त्याग कर सकता है, अपने आप को जो प्रेमिका को अर्पित कर सकता है, वही सच्चा प्रेमी है। यदि प्रेम पाने के लिए कोई अपनी राजसत्ता या बल का प्रयोग करे, तो फिर वो कितने ही सच्चे प्रेम का दावा करे, उसके प्रेम के आगे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। प्रहलाद जैसे उदार और सज्जन व्यक्ति का पुत्र ऐसा कार्य करे तो देखकर और भी दुख होता है। युवराज विरोचन ने दीपावली को उसकी कुटिया से ले जाकर अपने पिता प्रहलाद को एक बड़ी कठोर परीक्षा में डाल दिया है। देखना यह है कि पुत्र की इस करतूत से प्रहलाद पर क्या बीतती है। मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रही हूँ कुलगुरु। युवराज विरोचन और ऋषि पुत्र सुधन्वा के बीच मैं स्वयं को उस नौका की भांति पा रही हूँ जो बीच मझधार में है और नदी के दोनों तट उसे अपनी ओर आने का संकेत कर रहे हैं। किंतु इस नौका को किसी एक तट का ही संकेत स्वीकार करना होगा। प्रश्न किसी एक तट के संकेत को स्वीकार करने का नहीं, प्रश्न तो दूसरे तट के संकेत को अस्वीकार करने का है। और इसी स्थान पर पहुँच के मैं स्वयं को असमंजस में पा रही हूँ। हे कुलगुरु, यदि आपसे कहा जाए कि सूर्य और चंद्रमा में से एक को स्वीकार और दूसरे को अस्वीकार कर दें, तो आपका क्या उत्तर होगा? गुरुदेव, मैं देवी दीपावली को इसी कारण आपके आश्रम में लेकर आया हूं। मैं चाहता तो इन्हें राजभवन में भी लेके जा सकता था, किंतु मैंने सोचा कि राजभवन में रहकर देवी ये न सोचे कि मैं उन पर कोई दबाव डाल रहा हूं। ऋषि की पुत्री ऋषि शुक्राचार्य के आश्रम में स्वयं को अधिक स्वच्छंद और स्वतंत्र समझेंगी। अवश्य शिष्य, ऋषि पुत्री दीपावली, मेरे इस आश्रम में तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। तुम यही समझो कि तुम अपने पिता श्री ऋषि वत्स के आश्रम में ही हो। धन्यवाद कुलगुरु। देवी, यदि मेरे कारण
आपको कोई कष्ट हुआ हो तो मुझे खेद है। प्रणाम गुरुदेव। मुझे खेद है पुत्र, मुझे अत्यंत खेद है कि महाराज प्रहलाद जैसे न्यायप्रिय राजा और महान विष्णु भक्त का पुत्र अपने पिता के मार्ग से विचलित हो गए। यह दुख की ही नहीं लज्जा की भी बात है। एक युवराज ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके एक ऋषि पुत्र का अपमान किया है। एक बार मैंने भी सोचा कि उसके राजबल का उत्तर उसे अपने तपोबल से उसे उसी स्थान पर दे दूं। किंतु पिताश्री, मैंने संयम से कार्य लिया। संयम और धैर्य ही ऋषिगण की विशेषता है पुत्र। शक्ति और अधिकारों में राजभवन से कम न होते हुए भी ऋषि आश्रम का गौरव इसी में है कि यहां सत्ता और लालसा का राज नहीं होता। परंतु यह न समझ लेना कि मैं इस अपमान को सह जाऊंगा, क्योंकि मात्र मेरे पुत्र की बात होती तो मैं मौन धारण कर लेता। परंतु बात इससे आगे बढ़ चुकी है। बात यहां पहुंची है कि क्या राजभवन इतनी सरलता से ऋषि आश्रम को ललकार सकता है, उसकी अवहेलना कर सकता है? बताओ विरोचन दीपावली को लेकर कहां गया है पुत्र? जाते समय उसने कहा था कि ऋषि वत्स की पुत्री दीपावली को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रखेगा। इसका अर्थ यह हुआ पुत्र, यह विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि महाराज प्रहलाद को इस घटना की सूचना है भी या नहीं। परंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। एक राजा को अपने राज्य में होने वाली हर प्रिय और अप्रिय घटना की जानकारी होना अनिवार्य है। मैं सप्त ऋषियों की एक सभा बुलाऊंगा और महाराज प्रहलाद को उसमें उपस्थित होना होगा और अपने पुत्र के दुष्कर्म के लिए उत्तर देना होगा। पुत्र सुधन्वा, तनिक भी चिंता न करो। वत्स पुत्री दीपावली मात्र तुम्हें प्राप्त होगी, मात्र तुम्हें। महाराज, स्वामी। क्या हुआ महारानी? क्षमा करें महाराज, मैंने आपको गहरी नींद से उठाया, पर महाराज बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? महाराज, एक तपस्वी पधारे हैं और वे आपसे इसी समय मिलने का हट कर रहे हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया कि भेद भोर होने पर ही संभव है, पर वे नहीं माने महाराज। यदि कोई तपस्वी आधी रात को हमसे मिलना चाहता है तो कोई असाधारण कारण ही हो सकता है। और देवी, तपस्वी और ऋषि का स्थान बहुत ऊंचा होता है। वे हमारे राज्य के कर्मचारी नहीं हैं, जिन पर कर्मचारियों के नियम और विधान लागू किए जा सके। वे किसी भी समय हमसे मिलने का अधिकार रखते हैं। तो स्वामी, उन्हें यहां आने की अनुमति दे दी जाए? नहीं, मैं स्वयं उनकी सेवा में जाऊंगा। प्रणाम हे ऋषिदेव।
प्रह्लाद के राजभवन में आपका स्वागत है। यशस्वी भव। आधी रात में आने का कारण मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि मुझे आपके आने से कोई कष्ट हुआ है, केवल इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको स्वयं यहां आने में कष्ट हुआ होगा। मुझे सप्तऋषि गण ने आप तक एक संदेश पहुंचाने का आदेश दिया है। क्या आज्ञा है सप्तऋषि गण की? वो चाहते हैं कि कल प्रातः धर्म क्षेत्र में आयोजित उनकी सभा में आप उपस्थित हों। मेरा सौभाग्य। पर कोई विशेष समस्या है? वे आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। ऋषिदेव, ये मत समझिएगा कि मैं अपने अधिकारों का प्रदर्शन कर रहा हूं, किंतु यदि आप ये बता सकें कि सप्तर्षि किस विषय में प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मुझे प्रसन्नता होगी। महाराज, मुझे जितना ज्ञात था और जो बताने का आदेश दिया गया था वह सब मैं कह चुका हूं। इसके आगे स्वयं मुझे कुछ ज्ञात नहीं। सप्तर्षि गण से मेरा प्रणाम कहकर ये कह दीजिएगा कि उनकी आज्ञा का पालन होगा, मैं उनकी सभा में अवश्य उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद महाराज। यशस्वी भव। यशस्वी भव। हे सप्तऋषियों, आप ज्ञान के साथ आकाश हैं, विद्या के साथ सागर हैं। हर वो व्यक्ति आपकी महानता को पहचानता और मानता है जो ज्ञान और विद्या के शब्दों से परिचित है। अपने तुच्छ सेवक प्रह्लाद का प्रणाम स्वीकार करें। स्थान ग्रहण करें राजन। ऋषिगण, यद्यपि आपके समक्ष आना, आपका सत्संग पाना अपने भीतर ही सौभाग्य और गौरव का विषय है, परंतु आपके अन्यथा शांत दिखाई देते ज्ञानी मुखों पर चिंता और दुख के लक्षण देखकर मैं ये प्रश्न पूछने का साहस कर रहा हूं कि क्या कोई संकट है, कोई समस्या है? यदि है तो मुझे आदेश दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो मैं उस समस्या का अवश्य समाधान करूंगा। सम्राट प्रह्लाद, क्या आपको ज्ञात है कि आपके राज्य में अपहरण की एक अप्रिय और लज्जाजनक घटना घटी है? नहीं ऋषिगण, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है, परंतु आप कह रहे हैं तो सत्य ही होगा। यह सत्य है राजन। अपहरण एक अक्षम्य अपराध है। मुझे दुख है कि मेरे राज्य में ऐसी अप्रिय घटना घटी और मुझे उसका ज्ञान नहीं। किसने किया है यह अपराध, यह दुष्कर्म? कृपया मुझे उसका नाम बताइए। उसका नाम सुनकर आपको और भी दुख होगा। मैं फिर भी अनुरोध करूंगा कि आप मुझे उसका नाम बताएं। तो सुनिए, उस अपहरणकर्ता, उस अपराधी का नाम युवराज विरोचन है। युवराज विरोचन? नहीं, ये असंभव है। आप हमारी बात पर संदेह कर रहे हैं महाराज? नहीं ऋषिगण, मैं तो केवल अपने आश्चर्य और दुख का प्रदर्शन कर रहा था। विरोचन ने यह अपराध किया है, यह मेरे लिए बहुत ही लज्जा और दुख का विषय है।
अपराध की गंभीरता इस सत्य से और भी बढ़ जाती है कि युवराज ने एक ऋषि पुत्री का अपहरण किया है। ऋषि पुत्री का? हे ईश्वर, किस ऋषि पुत्री का अपहरण किया है उसने? ऋषि वत्स की कन्या दीपावली का अपहरण। आपके पुत्र विरोचन ने उनकी कुटी में जाकर दीपावली का अपहरण किया है राजन। सबसे पहले तो मैं आप सबसे, विशेषतः ऋषि अंगीरा से, इस अप्रिय घटना और इस घोर अपराध के लिए क्षमा मांगता हूं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस विषय में क्या करेंगे। हे ऋषिगण, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मेरा न्याय एक सामान्य नागरिक और युवराज में भेद नहीं करता। इस विषय में भी न्याय होगा और उचित न्याय होगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक क्षण भी विलंब नहीं करना चाहता। आयुष्मान भव पुत्री, यदि मुझे अनुमान लगाने में भूल नहीं हो रही है तो तुम ऋषि वत्स की पुत्री दीपावली हो। और यदि मुझसे अनुमान लगाने में भूल नहीं हो रही है तो आप कोई और नहीं, युवराज विरोचन के पिताश्री सम्राट प्रहलाद हैं। तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सत्य है पुत्री। प्रणाम सम्राट, मेरे नेत्र सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें महान विष्णु भक्त सम्राट प्रहलाद के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। परंतु इस समय आने का कष्ट क्या है, तो लक्ष्य केवल मुझे दर्शन देना तो नहीं हो सकता। तुम्हारा यह अनुमान भी सत्य है पुत्री। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जो आ गया सम्राट। चलो पुत्री। रुक जा पुत्री। मुझे खेद है महाराज, आप दीपावली को यहां से नहीं ले जा सकते। क्यों गुरुदेव, आपको क्या आपत्ति है? देवी दीपावली मेरे पास युवराज विरोचन की धरोहर है और मैं युवराज की अनुमति के बिना इसे यहां से नहीं जाने दूंगा। युवराज विरोचन इस कन्या को इसकी अनुमति के बिना यहां ले आए थे, जो एक अनुचित कार्य था। कदापि अनुचित नहीं था। विरोचन युवराज होने के अधिकार का प्रयोग कर इसे यहां ले आया था और मैं अपने राजा होने के अधिकारों का प्रयोग करके इसे यहां से ले जा रहा हूं। और यदि मैं इसे यहां से ना ले जाने दूं तो मैं अपने शिष्य धर्म से मुंह मोड़ने पर विवश हो जाऊंगा गुरुदेव। अर्थात मुझे दुख तो होगा कि जिस गुरु के चरणों में बैठकर मैंने शस्त्र विद्या सीखी थी उसी गुरु के विरुद्ध मुझे शस्त्र उठाना पड़ेगा। अच्छा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई अपने योग्य शिष्य से ये बातें सुनकर, किंतु मेरा उत्तर भी सुन लो। मैंने जिस योग्य शिष्य को युद्ध नीति सिखाई थी मैं उससे युद्ध करने पर विवश हो जाऊंगा और इसका मुझे कोई दुख नहीं होगा। रुक जाइए गुरुदेव, रुक जाइए महाराज। यदि मेरे कारण मेरे पिता और गुरु को एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़े तो यह मेरा अत्यंत दुर्भाग्य होगा। चलो पुत्री। पिताश्री, आप दीपावली को कहां ले जाना चाहते हैं? मैं दीपावली को तुमसे उस समय तक दूर रखना चाहता हूं जब तक वो स्वयं अपने भविष्य के विषय में कोई निर्णय न कर ले।
और तब तक तुम मुझसे नहीं मिल सकते। यह अन्याय है महाराज। आप ही ने इस विरोचन को युवराज बनाया था और विरोचन युवराज है, और युवराज को किसी भी स्थान पर किसी से भी मिलने का पूर्ण अधिकार है। विरोचन अब युवराज नहीं है गुरुदेव। निर्णय हो जाने तक मैं युवराज के समस्त अधिकारों को स्थगित करने की घोषणा करता हूं। चलो पुत्री। दीपावली, भूल मेरी थी। मुझे चाहिए था कि दीपावली के यहां आते ही उसके संग तुम्हारे साथ फेरे करवा देता, परंतु तुम चिंता मत करो वत्स, दीपावली तुम्हारी है और तुम्हारी ही होकर रहेगी। जीवन में यह समस्या किसी के भी समक्ष आ सकती है पुत्री, परंतु यह जिसकी समस्या हो उसी को सुलझानी भी पड़ती है। तुम्हें भी किसी एक ही तट, किसी एक ही डगर का चुनाव करना पड़ेगा। जीवन यात्रा दो नौकाओं पर संभव नहीं। जानती हूं महाराज। जानती हो तो फिर मेरे पुत्र विरोचन और ऋषि पुत्र सुधन्वा में से किसी एक को क्यों नहीं चुन लेती? युवराज विरोचन कल राजा बनेंगे, सारी धरती पर उनका राज होगा, और ऋषि पुत्र सुधन्वा भी कल महान ऋषि बनेंगे, आकाश पर उनका राज होगा। अब आप ही बताइए महाराज कि धरती और आकाश में मैं किसे चुन लूं और किसे ठुकरा दूं? परंतु यह तो असंभव है देवी कि इन दोनों में से किसी एक में कुछ कम कुछ अधिक ना हो। तुम सोचोगी तो इन दोनों में से किसी एक में कोई ऐसा दोष, कोई ऐसा गुण तुम्हें अवश्य मिल जाएगा जो दूसरे में ना हो। मैं सोच सोच कर हार गई हूं, परंतु विश्वास कीजिए मैंने दोनों में से किसी में भी कुछ कम या कुछ अधिक नहीं पाया। मैं तो चकरा कर रह गई हूं महाराज। मैं बताता हूं तुमको देवी, विरोचन में एक दोष है। क्या? वो तुम्हें तुम्हारी सहमति के बिना तुम्हारे आश्रम से ले आया। उसे इसका अधिकार नहीं था। उसके इस अनुचित कार्य से तुम्हारी दृष्टि में उसकी महत्ता कुछ कम नहीं हुई? यह सत्य है महाराज कि जब उन्होंने मेरी कुटिया में आकर मुझे साथ चलने को कहा तो एक पल के लिए मुझे धक्का लगा, मैं भयभीत भी हो गई, परंतु जब उन्होंने मुझे पूरे आदर सम्मान के साथ गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रखा और उस आश्रम में भी मुझे उतना ही आदर सत्कार मिला, तो मैं जान गई कि युवराज केवल युवराज ही नहीं पर एक चरित्रवान व्यक्ति है। लालसा और वासना जिनके पास भटक भी नहीं सकती, मैं उनके चरित्र से प्रभावित हूं महाराज। तो फिर सुधन्वा को भूल जाओ। यह भी तो संभव नहीं है महाराज, उनकी परछाइयां भी मेरे मन आंगन का पीछा नहीं छोड़ती। यह तो बड़ी जटिल समस्या है देवी, परंतु इतना जान लो कि तुम्हारे अतिरिक्त किसी के पास इसका समाधान नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसे सुलझाने में कोई भी तुम्हारी सहायता कर सकता है, और यदि कर सकता है तो मुझे बताओ, मैं स्वयं उसका प्रबंध करूंगा। मेरी सहायता केवल मेरे पिताश्री कर सकते हैं महाराज। वो कैसे कर सकते हैं तुम्हारी सहायता? वे ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, ऋषि हैं। मैं उनके समक्ष अपनी समस्या रखूंगी और फिर वे जिसका भी हाथ थामने का परामर्श देंगे, मैं आंखें बंद करके उसे स्वीकार कर लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि वे जो भी निर्णय करेंगे उसी में मेरा भला होगा। पिता के लिए तुम्हारे विचार सुनकर
मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। एक अच्छी पुत्री ही अच्छी पुत्रवधु बन सकती है। सम्राट की जय हो। ऋषिवर वत्स पधारे हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं। अरे पुत्री, ये तो बड़ी शुभ घड़ी है। इस समय कुछ और भी मांगा होता तो अवश्य मिल जाता। ऋषिवर बहुत उत्तम समय पधारे हैं, उन्हें पूरे आदर और सम्मान सहित यहां ले आओ। आपके आने से राजभवन पावन हो गया ऋषिवर। अपने सेवक प्रह्लाद का सादर प्रणाम स्वीकार करें। यशस्वी भव सम्राट। आपकी पुत्री आपके लिए बहुत व्याकुल हो रही थी ऋषिवर। मैं जानता हूं महाराज, और ये क्यों प्रतीक्षा कर रही थी वो भी जानता हूं। मैं सारी कहानी जान चुका हूं। कितना सुंदर होगा ऋषिवर यदि अपने चरम बिंदु पर पहुंचे इस कहानी का परिणाम आप बताएं। मैं? हाँ ऋषिवर, जब आपने कहानी सुन ही ली है तो किसी निष्कर्ष पर भी अवश्य पहुंच गए होंगे। हाँ, निष्कर्ष पर तो पहुंच ही गया हूं महाराज। धन्य है। किस निष्कर्ष पर पहुंचे आप? मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं महाराज कि मेरी पुत्री जो भी कह रही है वह अक्षरशः सत्य है, सर्वथा सत्य है, और सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अर्थात? महाराज, मैंने जब सारा वृतांत सुना और अपनी पुत्री की उलझन को जाना तो मैंने भी समस्या को हर दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। युवराज विरोचन और ऋषि पुत्र सुधन्वा दोनों की हर प्रकार की तुलना की, दोनों को जीवन की हर कसौटी पर परखने का प्रयत्न किया, और फिर उसके बाद अपने आप को उसी स्थान पर पाया जहां पर मेरी पुत्री खड़ी। हां महाराज, मैं निर्णय नहीं कर सका कि युवराज विरोचन और ऋषि पुत्र सुधन्वा में से कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन कम है और कौन अधिक। यह समस्या तो उलझती ही चली जा रही है। इस उलझी हुई डोर का कोई भी सिरा हाथ में आ ही नहीं रहा है। मुझे विश्वास था, और मुझे क्या आपकी पुत्री को भी विश्वास था कि आपके आने से समस्या सुलझ जाएगी, परंतु आपने तो इसे और भी उलझा दिया। क्या दीपावली का जीवन बिना मांझे के उस नौका के भांति है जो बीच धारा में अटकी रहेगी? मैं स्वयं भी यही सोच सोच कर अधीर हो रहा हूं महाराज। परंतु करना क्या चाहिए, इसका उपाय क्या है? मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता। मैंने एक उपाय सोचा है महाराज। क्या? यदि यह आपकी पुत्री होती तो। मेरी पुत्री? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूं महाराज कि आप सम्राट हैं, जीवन की बहुत सी विषमताओं के विषय में आपका ज्ञान अधिक है। आप स्वयं दीपावली को अपनी पुत्री मानकर इसका कन्यादान कर दें। विरोचन और सुधन्वा में से जिसको भी योग्य समझे चुन ले। हम दोनों आपके इस निर्णय को निसंकोच होकर स्वीकार कर लेंगे महाराज। बहुत कठिन परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी। सारा संसार जानता है कि मैं सदा अपने पिता के प्रेम को तरसता रहा, परंतु मुझे उस सागर से एक बूंद भी नहीं मिली। इसी कारण मैं अपनी संतान पर अपने मन का प्यार बरसा देना चाहता हूं, अपने पिताश्री के अंश का प्यार भी। क्या ऐसा पुत्र प्रेमी ऐसी स्थिति में न्याय कर पाएगा जिसमें स्वयं उसका पुत्र एक पक्ष हो? क्यों नहीं कर सकता महाराज। सारा संसार यह भी तो जानता है कि पुत्र से प्रेम करने वाले सम्राट प्रह्लाद न्याय से भी उतना ही प्रेम करते हैं। और सुधन्वा, जो दूसरा पक्ष है, क्या वो भी मान लेगा? सुधन्वा सोचेगा, और ठीक ही सोचेगा,
कि यदि मैंने अपने पुत्र के पक्ष में निर्णय दिया तो वो पुत्र प्रेम के कारण दिया हो, न्याय प्रेम के कारण नहीं। यदि मुझे समस्या को सुलझाना है तो सुधन्वा के सहयोग के बिना संभव नहीं। मुझे सुधन्वा के पास जाना हो अभी इसी समय। सब शुभ होगा पुत्री, सब शुभ होगा। देखा कमलनयन, वही हुआ जिसका मुझे भय था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दी हुई शिक्षा अपना रंग दिखा रही है। परंतु आपको भय क्यों लग रहा है महादेवी? मुझे भय इसलिए लग रहा है कि ऋषि अंगिरा ने ये निर्णय लेने का भार पुत्र प्रहलाद पर डाल दिया है कि सुधन्वा और पौत्र में अधिक श्रेष्ठ कौन है। अपने अपने क्षेत्र में दोनों ही श्रेष्ठ हैं। एक महान तेजस्वी ऋषि है तो दूसरा उतना ही महान योद्धा है। पुत्र प्रहलाद इतना कठिन निर्णय कैसे ले पाएगा? हाँ महादेवी, निस्संदेह ये निर्णय बहुत कठिन होगा, परंतु ये एक अवसर भी तो है पुत्र प्रहलाद के लिए ये जानने का कि पिता प्रहलाद और राजा प्रहलाद दो भिन्न भिन्न व्यक्तित्व हैं। जिस प्रकार योग्य तोल के लिए तुला के दोनों पलड़ों का संतुलित रहना आवश्यक होता है, उसी प्रकार प्रजा का न्याय करते समय राजा का भी संतुलित होना बहुत आवश्यक होता है। महादेवी, सिंहासन पर बैठने के उपरांत एक राजा को यह जान लेना चाहिए महादेवी कि अपने परिवार और अपनी प्रजा के साथ उसका संबंध एक समान है। वो ना तो किसी का पिता है, ना किसी का पुत्र और ना ही किसी का भ्राता। यदि पुत्र प्रहलाद को इतिहास बनाना है महादेवी, तो उसे अपने निष्पक्ष न्याय का प्रमाण देना होगा। आप तो बस अपने पुत्र प्रहलाद के विवेक पर विश्वास कीजिए। देखा तुमने आश्रम और तपोवन का प्रभाव पुत्र? महाराज प्रहलाद को विवश होकर गुरु शुक्राचार्य के यहां से दीपावली को ले जाना ही पड़ा। तो अब दीपावली कहां है पिताश्री? चिंतित होने का कोई कारण नहीं है पुत्र, वो सुरक्षित है। वो महाराज प्रहलाद के निजी अतिथि गृह में है। परंतु अब देखना यह है कि न्यायप्रिय महाराज प्रहलाद अब क्या निर्णय लेते हैं। सेवक प्रहलाद आपको कोटि कोटि प्रणाम करता है। तेजस्वी भाव। हे ऋषि पुत्र सुधन्वा, आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यशस्वी भाव। आपको यह सूचना तो मिल ही गई होगी कि देवी दीपावली अब कुलगुरु शुक्राचार्य के आश्रम में नहीं, पिता के संरक्षण में है। मैं आपसे, विशेषतः सुधन्वा से, एक अनुमति लेने आया हूं। अनुमति? उससे किस बात की अनुमति चाहिए आपको राजन? ऋषि वत्स ने अपनी पुत्री का भविष्य मेरे हाथों में सौंप दिया है। मैं कुछ समझा नहीं राजन। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि उनकी पुत्री दीपावली के भविष्य का निर्णय मैं करूं। दीपावली जिस असमंजस में फंस गई है उसे उस असमंजस से बाहर मैं निकालूं। उसके पति के रूप में विरोचन और सुधन्वा में से किसी एक को मैं चुनूं। अर्थात आप अपना निर्णय सुनाने आए हैं राजन? नहीं ऋषि, इस विचित्र समस्या के दो पक्ष हैं। एक, मेरा पुत्र युवराज विरोचन, और दूसरा आपका पुत्र सुधन्वा। न्यायाधीश बनने के लिए मुझे अपने पुत्र की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मेरा आज्ञाकारी पुत्र है। ऋषिवर, मुझे आवश्यकता है आपके पुत्र सुधन्वा की अनुमति की, क्योंकि वो दूसरा पक्ष है। उसकी अनुमति के बिना मैं न्यायाधीश का दायित्व स्वीकार नहीं कर सकता। महाराज, जिस समस्या में एक पक्ष आपका पुत्र है, क्या आप समझते हैं ऐसी स्थिति में आप निष्पक्ष न्याय कर पाएंगे?
यह तो विश्वास है कि न्याय कर पाऊंगा, यह विश्वास नहीं कि उसे दोनों पक्ष न्याय मान ही लें। दीपावली एक है, उसके प्रेमी दो हैं। दीपावली को बांटा नहीं जा सकता, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, वह किसी एक को ही मिलेगी और जिसे न मिली वो मेरे न्याय को न्याय ही मान ले, इस पर मुझे संदेह है। ऋषि पुत्र सुधर्मा, क्या आपको मेरा न्यायाधीश बनना स्वीकार है? महाराज प्रहलाद, आपका प्रस्ताव मानने के अतिरिक्त मेरे पुत्र के पास दूसरा मार्ग बचा ही नहीं है। नहीं ऋषिवर, यदि सुधन्वा नहीं चाहेगा तो मैं कभी बीच में नहीं आऊंगा, किसी और को यह कार्य सौंपने का प्रयास करूंगा। मुझे स्वीकार है राजन, मैं अपना जीवन भाग्य आपके हाथ सौंपता हूं। तो मैं ये समझूं कि आप मुझे स्वेच्छा से अनुमति दे रहे हैं? जी राजन, मुझे आपका न्यायाधीश बनना स्वीकार है। अब मुझे आज्ञा दे ऋषिवर। प्रणाम। आयुष्मान बाबू। प्रणाम ऋषिपुत्र। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भाव, आपने मुझे स्मरण किया था गुरुदेव? हाँ वत्स, मैंने तुम्हें बुलाया था। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। महाराज प्रहलाद ने दीपावली को तुम्हारे लिए या ऋषि पुत्र सुधन्वा में से किसी एक को चुनने का निर्णय अपने हाथों में लिया। महाराज अपनी न्याय प्रीता के लिए जग प्रसिद्ध है, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। इसमें चिंता की क्या बात है गुरुदेव? मुझे यह चिंता है वत्स कि वो केवल यह सिद्ध करने के लिए कि वो न्यायप्रिय है और तुम उनके पुत्र हो, कोई निर्णय तुम्हारे विरुद्ध ना दे दें। तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव? मेरे मस्तिष्क में एक योजना ने जन्म लिया है वत्स। अब तुमको नीति का आश्रय लेना, महाराज प्रहलाद पर दबाव बढ़ाने के लिए तुम्हें अपनी दादी श्री राजमाता कायाधु के पास जाना चाहिए। राजमाता तुमसे बहुत स्नेह करती है और महाराज उनसे बहुत प्यार करते हैं। यदि राजमाता तुम्हारे पक्ष में हो गई तो महाराज विवश होकर तुम्हारे पक्ष में निर्णय देंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। ऐसे गुरु को क्या कहें, क्या दें उसको मान, नीति वचन के नाम पर जो बांटे अज्ञान। आज प्रेम के नाम पर सुलगी है जो आग, जलते हैं इस
आग में देखे किसके भाग, देखे किसके भाग। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़ दान, प्रेम की तू छेड़ दान। पीते युग बता रहे हैं, पीते युग बता रहे हैं, सच पथ पे चल सुजान